सुप्रभात बच्चों, जैसा कि हिंदी में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत भारती से जो कविता है उसकी 8 पंक्तियों का भावार्थ हमने जाना। आज हम लोग उसी कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर जानेंगे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ये जो भारत भारती पुस्तक है हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखी, इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी और इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिड़गांव में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण थे, माता का नाम काशीबाई, और ये तो आप सभी को पता ही है कि भारत भारती इनकी सुप्रसिद्ध कृति है और इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो आज हम लोग यहाँ पर इन 4 पंक्तियों का भावार्थ जानेंगे। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आदि हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। ठीक है, तो इन पंक्तियों में जो शब्द आए हैं उनका पहले हम लोग अर्थ जानते हैं। कला कौशल अर्थ क्या? कलाओं की कुशलता। यद्यपि क्या अर्थ है? फिर भी। उच्चता, उच्चता का अर्थ है ऊंचाई। आर आर किन्हें कहते हैं? जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उन्हें आर कहते हैं। पुण्य भूमि, पुण्य भूमि का अर्थ हो गया पवित्र स्थान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। भारत वर्ष की जो भूमि है उसे कवि ने पुण्य कहा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो ये भूमि क्या हो गई? पवित्र हो गई, पावन हो गई और प्रसिद्ध भी हो गई, क्योंकि अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लिया। इसके निवासी आर्य हैं और
सुंदरता है, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के निवासी, उनके बारे में भी इस कविता में बताया गया है। धन्यवाद।